बोले भारत माता की, भारत माता की। हरेला क्लब द्वारा आयोजित इस उत्तरायणी भौतिक के अवसर पर अभी आपने जिनको यहां पर सुना, इस क्षेत्र से आप लोगों ने जिनको लगातार अपना आशीर्वाद देकर, अपना समर्थन देकर यहां की सेवा का अवसर प्रदान किया, आप सबके प्रिय उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय कैलाशदा हमारे कैलाश चंद गहलोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री हमारी दीदी हेमा जोशी जी, जिला महामंत्री भाई मुकेश जी पूरन जी, हमारे हरेला क्लब के अध्यक्ष श्री देवी दत्त भट्ट जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भाई विपिन कुमार जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता अमोड़ी क्षेत्र के श्री खीमानंद भट्ट जी, हमारे युवा नेता भाई मोहित पाठक जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री सतीश पांडे जी, मदन गहतोड़ी जी, मदनदा प्रकाश पांडे जी, हरेला क्लब के संरक्षक श्री धर्मेंद्र चंद जी, एडवोकेट हमारे बड़े भाई श्री विजय चंद जी, संरक्षक हरेला श्री शंकर गढ़कोटी जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता रोहतास अग्रवाल जी, दीपचंद्र पाठक जी खटीमा से आए हुए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राज्य आंदोलनकारी रमेश चंद्र जोशी जी, रामू भैया हमारे, श्री गोविंद सामंत जी एवं यहां पर पधारे हमारे एलडी गहतोड़ी जी और हरीश चंद्र हैसियत जी, हमारे सभी उपस्थित वरिष्ठ नेतागण। अब मैं सबका नाम लूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, हमारे इस जिले के जिलाधिकारी श्री नरेंद्र भंडारी जी, पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पिचा जी एवं सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मैं आज इस शुभ दिन पर, इस उत्तरायणी के अवसर पर, भगवतिया त्यौहार के अवसर पर, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में मंगल हो, भगवान सूर्यनारायण की कृपा आप सब पर हो। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए विशेष महत्व का दिन है और आज के दिन से भगवान सूर्य के उत्तरायण में आने से हमारे सब काम शुरू हो जाते हैं, अच्छे दिनों की आज से शुरुआत हो जाती है, अच्छे दिन, देवताओं के दिन और धीरे धीरे जो सूर्य का प्रकाश है वो हमको सीधे सीधे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी ऊष्मा हमको प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, उस ऊष्मा से हम सभी को ऊर्जा प्राप्त हो, हम सभी के जीवन में उत्साह आए, हम सभी के जीवन में स्फूर्ति आए, हम सबको आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान हो। मैं भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करता हूं और हरेला क्लब को विशेष रूप से मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से हरेला क्लब के द्वारा लगातार ये भौतिक आयोजित किया जाता रहा है। निश्चित रूप से जैसा मैं यहां से सुन रहा था, हमारे चंद जी जो बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर रखी है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का काम, उसके विकास का काम, उसके संवर्धन का काम हरेला क्लब के माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से
आज पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व मनाया जाता है क्योंकि हरेला जहां हमारे पर्यावरण के संरक्षण का प्रतीक है, पर्यावरण का प्रतीक है, हमारी हरियाली का प्रतीक है, उस दिन हम वृक्षारोपण करते हैं, पौधारोपण करते हैं, अनेकों स्थानों पर ये हरेला पर्व हमारा मनाया जाता है। और हरेला पर्व एक समय में हमारे पूर्वजों ने मनाना प्रारंभ किया और उसको हरेला नाम दिया। धीरे 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 प्रदेश के अंदर गया, प्रदेश के अंदर से आज देश के अंदर गया और आज जितने भी जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाले पर्यावरणविद हो, चाहे आज जल संचय के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक हों, हमारे भूगर्भ शास्त्री हों, सारे के सारे उन लोगों ने इसकी महत्ता को समझा और हरेला पर्व आज पूरे देश का एक पर्व बन गया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हरेला नहीं मनाया जाता है। सरकार ने भी इसको एडॉप्ट किया है। भाइयों बहनों, मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए, उसके उत्थान का अगर पर्व, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, उसके उत्थान का अगर पर्व पूरे देश के अंदर आजादी के कालखंड के बाद कहीं किसी कालखंड में आया है तो वो यही कालखंड है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आप देखिए कि हमारे जितने भी लोक पर्व है, लोक संस्कृति है, उसको राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला हमारा योग दिवस आज केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। आज आप अगर हम देवस्थानों की बात करेंगे तो ऐसे अनेकों देवस्थान हैं। अगर हम अयोध्या की बात करें, आप अयोध्या लंबे समय से हम सब लोग सोचते थे, हम कहते थे कि हम हर क्षण हर पल अगर किसी का नाम लेते हैं, अगर हमारे मन में हमको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो थोड़ी सी परेशानी में भी हमारे मुंह से निकलता है हे राम, राम राम। और जहां राम पैदा हुए वहां लंबा कालखंड बीत गया कि वहां पर एक मंदिर बनना चाहिए था, एक भव्य परिसर बनना चाहिए था। और हम सब लोगों ने भी कहा, उत्तराखंड के लोगों ने भी कहा, टनकपुर के लोगों ने भी कहा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन एक लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर वहां बन नहीं पाया। भाइयों बहनों, अगर आज अयोध्या के अंदर जहां भगवान राम पैदा हुए वहां पर अगर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो किसी और के कालखंड में नहीं हो रहा है बल्कि भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारा यहीं पर केदारनाथ, आज वहां केदारनाथ जाने के लिए वहां रोपवे का शिलान्यास हो गया। आने वाले समय में गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे से जाएंगे। हेमकुंड साहब वहां जाने के लिए भी जो 12 घंटे 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, वह पैदल यात्रा भी अब नहीं करनी पड़ेगी। आने वाले समय में सारे श्रद्धालु वहां भी रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे, वहां पर भी रोपवे का शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, तेजी से काम हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा बाबा विश्वनाथ की धरती, महादेव की धरती काशी विश्वनाथ में, वहां काशी कॉरिडोर बन गया है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था, दिव्य काशी और भव्य काशी बन गया है बनारस के अंदर। उज्जैन में महाकाल की नगरी में महाकाल लोग देश की जनता को समर्पित किया जा चुका है। ऐसे जितने स्थान हैं उन स्थानों का भव्य दिव्य निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, अभी अपने स्वदेश दर्शन में हमारे उसी जनपद की अनेकों योजनाओं को, हमारे गोरखनाथ जी का स्थान, मां बाराही का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, ऐसे अनेकों स्थानों को भारत सरकार को प्रेषित किया है।
सारी योजनाओं में हमको धन आवंटन हो रहा है। जल्दी ही सारी योजनाएं हमारी एक के बाद एक बनने जा रही है। इसी कड़ी में आज जो देश के अंदर निर्मल गंगा, स्पर्श गंगा, निर्मल गंगा, अर्थ गंगा, नमामि गंगे, ये सारे अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए हैं। और हमारे यहां से भी गंगा, निर्मल गंगा और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट केवल गंगा जी का नाम है, गंगा जी मुख्य उसमें है, लेकिन गंगा जी के साथ साथ जितनी भी गंगा जी के सहायक चलने वाली नदियां हैं, वो सारी नदियां, सारी नहरें उसके अंतर्गत आती हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमने तय किया कि हमारे यहां से भी शारदा मैया जाती है, शारदा मैया इसी आगत से होकर निकलती है, मां पूर्णागिरी के इस मैं कहूं कि एक पूज्य स्थान से होकर आगे बढ़ती है, तो मां शारदा इस क्षेत्र से आगे निकले तो पूरी तरह से शुद्ध होकर निकले, यानी कि एक ग्लास का पानी, एक ग्लास का जल मां शारदा का रहे। इसके लिए हमने तय किया है कि आगे निकट भविष्य में जितनी भी हमारी नमामि गंगे की परियोजनाएं चल रही है, उसमें मां शारदा को भी सम्मिलित किया जाएगा और मां शारदा के अंदर जाने वाला जितना सीवर है, दूषित मल है, दूषित पानी है, उस पानी को एसटीपी प्लांटों से संबद्ध किया जाएगा, जिससे कि एक ग्लास का पानी कोई मां शारदा का आगमन करे तो उसको लगना चाहिए कि ये मां शारदा भी मोक्षदायिनी है, मां शारदा भी जीवनदायिनी है, मां शारदा भी प्राणदायिनी है और मां शारदा भी सबके काम के लिए आने वाली मां शारदा है। कहीं सींचने के काम, कहीं पीने के काम, कहीं जो है कृषि के काम, हर काम का आने वाली मां शारदा हमारी करेगी। उसके लिए भी हम सबको संकल्प लेना होगा। ऐसे अनेकों कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो आज ये हमारा जलाशय बता रहे थे, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों का, हमारे टनकपुर के लोगों का, बनबसा के लोगों का, चंपावत के लोगों का, अमोड़ी वालों का, सुखीधाम वालों का, उचोली कोट वालों का, गैंडी खाली वालों का, यहां के जितने भी लोग आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने देखिए 2022 में कैलाश दा को जिताया, फिर मुझे आपने जिताया, जितने कार्यकर्ता आप लोग लगे थे, अभी ये कह रहे थे, मैंने अभी हम लोग बस स्टेशन देखने जा रहे थे, बस स्टेशन देखने जा रहे थे, नया बस स्टेशन बन रहा है यहां पर, हमारे पत्रकार बंधु भी यहां खड़े हैं, मैं इनसे भी कह रहा था, हमारे जिलाधिकारी जी वहां खड़े हैं, मैंने कहा जिलाधिकारी जी से कि सरकार का पैसा आना बड़ी बात नहीं है, सरकार की योजना आना भी बड़ी बात नहीं है, ये काम तो हम लोगों ने कर दिया, आपने इनको बनाया, इन्होंने मुझे कहा, फिर आपने मुझे भी बना दिया, लेकिन ये पैसा आया है, इस पैसे का ठीक प्रकार से सदुपयोग हो। हम यहां का जो बस अड्डा है इसको आईएसबीटी की तर्ज पर बनाना चाहते हैं और ये बस अड्डा आने वाले समय में हमारे मां पूरागिरी में इतने करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अगर हम बसों का हिसाब जोड़ेंगे तो कई लाखों और करोड़ों में संख्या जाती है। ये मां पूरागिरी की ताकत है, मां पूरागिरी की शक्ति है, मां पूरागिरी पर लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, वो आए और इतना ही नहीं, मां पूर्णागिरी को छूकर वापस चले जाते हैं, मां पूर्णागिरी पर दर्शन करके चले जाते हैं, हमारे पूज्य महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग मां पूर्णागिरी के दर्शन करने आए हैं उसके बाद यहां से वो मां रणकोची मैया की तरफ जाए, मां बाराही की तरफ जाए, गुरु गोरखनाथ की तरफ जाए, हमारे अनेकों स्थानों में बाबा बयानधुरा जाए, बाबा श्यामलाताल की तरफ जाए और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अगर टनकपुर आ रहे हैं, टनकपुर जो है हमारा द्वार है मां पूरागिरी को जाने वाला, मां द्वार है शारदा मैया को जाने वाला, तो यहां पर अपने बच्चों के साथ वो कैसे अपना समय बिता सकते हैं, कैसे वो यहां पर कुछ मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी कहा है, जिलाधिकारी जी से भी कहा है, हमारे कैलाश दा यहां पर मैंने इनसे भी कहा है, इनको भी निर्माण की अच्छी जानकारी है, अच्छा आर्किटेक्टर करके हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा ये 57 करोड़ रुपए का जो बनने वाला बस अड्डा है
यह बस अड्डा भी अपने आप में एक ऐसा बस अड्डा बने कि जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और पैसा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो पैसा और बढ़ जाएगा, पैसे की कमी नहीं है, विकास के कामों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने वाली है। और पैसा देना होगा और डीपीआर बढ़नी होगी बढ़ जाएगा, और कोई निर्माण कार्य जुड़ना है तो जुड़ जाएगा, लेकिन वो ऐसा अड्डा बनना चाहिए। मैं भी कह रहा था कि यहां संडे के दिन, शनिवार के दिन रोहतास जी बरेली वाले लोग भी आए, पीलीभीत वाले भी आए, बगल में रामपुर वाले भी आए, रुद्रपुर वाले भी आए, खटीमा वाले भी आए, सितारगंज वाले भी आए, रुद्रपुर वाले भी आए, कहें कि हम लोग जो है टनकपुर जा रहे हैं, टनकपुर जाकर टनकपुर का बस अड्डा देखेंगे, वहां पर भोजन करेंगे, बच्चों का कुछ मनोरंजन करेंगे, मां शारदा की आरती करेंगे शाम को, उसके बाद अपने परिवार को लौट आएंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने तय किया है कि यहां पर अच्छा एक सर्किट हाउस बनना चाहिए, अच्छी पार्किंग बननी चाहिए, एक पार्किंग यहां पर बन रही है पीछे, कार पार्किंग अभी हम लोगों ने देखा है, दूसरी पार्किंग भी हमारी टीआरसी पर स्वीकृत हो गई है, उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। अनेकों योजनाएं, आज ही लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। भाइयों बहनों, हमारे मन में है कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से, मां पूर्णागिरी की कृपा से ये हमारा पूरा जनपद चंपावत ये आदर्श चंपावत बने, आदर्श चंपावत जहां पर एक मॉडल के रूप में, मैं कहूं एक पायलट के रूप में पूरे उत्तराखंड का एक मॉडल बने। और इसके लिए हमने सभी विभागों, सारे विभाग राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के, सारे विभागों को लगातार इस काम में लगाया हुआ है, लगातार सारे विभाग योजनाएं बना रहे हैं, सारे विभाग मंथन कर रहे हैं, लगातार कार्य योजना बना रहे हैं कि चंपावत जनपद का जैसा मॉडल पूरे उत्तराखंड का मॉडल होगा। यहां से इसकी शुरुआत होगी और ये शुरुआत होकर उत्तराखंड के हर जिले में इस प्रकार की हम शुरुआत करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार के संस्थानों का भी, बहुत सारे जो कंपनी है सीएसआर के माध्यम से भी हमारे यहां पर आ रहे हैं। आने पर मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर काम करने आ रहे हैं उन सबका हमको सहयोग भी करना है। वो अपनी कंपनियों को लगाएंगे, अपने आर्थिक संसाधनों को लगाएंगे, उसमें हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। जैसे हमारे हरियाणा क्लब ने एक कार्य प्रारंभ किया है कि प्रत्येक वर्ष उत्तरायणी का कौतिक होता है, प्रत्येक वर्ष ये लोग हरीला पर्व मनाते हैं, हमारे बच्चों को भी बताते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी बताते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें ट्रांसफर हो रही है। उसी प्रकार से हम सबको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाने वाले हैं, हम क्या करके जाने वाले हैं। और चंपावत का तो चूंकि ये तो हमारे जैसे उधर हल्द्वानी एक द्वार है, दूसरा अगर द्वार है तो मेरा ये टनकपुर भी एक द्वार है, जहां से तमाम पहाड़ को जाने वाला, यहां से आने वाले समय में, अभी मैं कैलाशदा से कह रहा था कि आने वाले समय में कैलाशदा ये बस अड्डा हमारा इसलिए भी अच्छा बनना चाहिए कि जो हम भविष्य को देखें, आने वाले समय को देखें, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको पहचान कर कि आने वाले समय में बड़ी यात्रा जहां मां पूर्णागिरी की यात्रा चलती है, इसके साथ साथ बड़ी यात्रा इसी रास्ते से बाबा कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा चलती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी इसी सड़क मार्ग से होगी। पिथौरागढ़ तक का मार्ग अच्छा बन गया है। हमारा प्रयास है आने वाले समय में कि बहुत सारी जो ट्रेनें हैं, बहुत सारे स्टेशनों को जाने वाली ट्रेनें हैं, वो हमारे टनकपुर से चले, हमारे टनकपुर स्टेशन से देश भर को जाने का रास्ता बने, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो हमारी बसें हैं, बस यात्रा, वह भी हमारे लिए अच्छी हो, 4 पहिया वाहनों से लोग आए। और अच्छा लगा, दीदी बता रही थी आज कि हेमा दीदी कहती मैं 4.5 घंटे में देहरादून से टनकपुर पहुंच गई, अभी थोड़ा सा काम और बचा हुआ है, मैं समझता हूं अगर वो सारा काम पूरा हो जाएगा तो 1 घंटा और कम हो जाएगा, इतनी तेजी से चलने वाला है। खटीमा का बाईपास चालू हो गया है, खटीमा का बाईपास चालू होते ही आपका 1/2 घंटा तो बच गया, मेरे ख्याल से रोहतास जी तो बहुत खुश हो रहे होंगे, आपकी तो रोज ही वहां मिल में जाना होता है आपको।
पहले आप जाते थे तो जाम लगता था और आप खटीमा वालों को ही परेशान करते थे, अनावश्यक जाम लगाते थे आप वहां जाकर। भाई आपका कोई काम तो खटीमा शहर में होता नहीं था, आपकी तो मिल झंझट में है, लेकिन जाना हमेशा खटीमा से पड़ता था आपको। अब आपको खटीमा नहीं जाना पड़ेगा, अब सीधे आपका आधा घंटे का समय बच गया और खटीमा वाले भी धूल से बच गए, मिट्टी से बच गए, दुर्घटनाओं से बच गए, उनकी भी सुरक्षा और आपका भी काम। इसी प्रकार से बाईपास बनने से केवल टनकपुर बनबसा वाले ही नहीं, हमारे चंपावत वाले, लोहाघाट वाले, पिथौरागढ़ वाले, धारचूला तक के लोग, लीडीहाट, मुंशियारी, धारचूला तक के लोग जो इस रास्ते से आवागमन करते हैं। और हमारा पड़ोसी देश छेमीपुरा, क्या बोले छेमीपुर, अरे नेपाली में क्या बोलते हैं, छेमी को बोलते हैं, कौन जानता है नेपाली, छेमी को मित्र देश, हाँ छेमी को बोलते हैं, जो संतोष क्या बोलते हैं, जहां हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, जहां हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है, संस्कृति का रिश्ता है, पूजा पद्धति का रिश्ता है, जीवन पद्धति का रिश्ता है, वहां के लोगों के लिए भी ये जो बाईपास बन रहा है, ये बाईपास उनके लिए भी एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। भाई मैंने ऐसे अनेकों कार्य चल रहे टनकपुर से लेकर सितारगंज तक के लिए। अभी मैं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी से भेंट करने गया था, तब मैंने उनसे अनुरोध किया है कि टनकपुर से लेकर सितारगंज तक का जो मार्ग है उसको अब दो लेन की जगह चार लेन का बनाया जाए। उनसे मैंने अनुरोध किया, उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार भी किया है, उन्होंने कहा है कि इसको हम अपनी कार्य योजना में डाल जाए। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आज प्रयास न हो रहा हो, काम न हो रहा हो, धीरे धीरे आने वाले समय में। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बचपन से जहां आता रहा, बचपन से जहां खेलता रहा, कूदता रहा, और कैलाश दा ने मेरा हाथ पकड़ लिया एक दिन रात में, ये बोले कि नहीं नहीं आपने कुछ नहीं सोचना, चाहे कोई भी कुछ नहीं कहे। मैं बहुत संकोच कर रहा था इस बात कि मुझे निर्णय लेना है कि नहीं लेना, लेकिन इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना है, यहीं से खड़ा होना है, टनकपुर से खड़ा होना है, ये चंपावत से खड़ा होना है। और भाइयों बहनों, जो मैं सोचता था कि मेरा टनकपुर ऐसा होना चाहिए, मेरा बनबसा ऐसा होना चाहिए, मां पूर्णागिरी का ऐसा होना चाहिए, शारदा मैया में ऐसा होना चाहिए, यहां का बस अड्डा जो बाजार के अंदर का बस अड्डा देवा भाई अंदर वाला, जब हम यहां से पिथौरागढ़ जाते थे, गांव के लिए जाते थे विजयदा जी भाई, तो रात में आ जाते थे या शाम को, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं शायद 6-7 साल का रहा हूंगा तब मुझे ध्यान है कि यहां पर आ जाते थे और यहां पर आकर अपना बिस्तर भी साथ में लेकर आते थे। बिटिया हंस रही है, तो वैसे होता था, ये बिस्तर लेकर आते थे अपने पिताजी के साथ आते थे और यहीं पर हम लोग लेटते थे अपने, और सवेरे 4 बजे यहां से बस चलती थी टनकपुर भागी चौरा, मुझे याद है टनकपुर से भागी चौरा वाली बस, उसमें हम बैठते थे और शाम होते होते 4 बजे यहां से चलते थे और शाम को 5-6 बज जाता होगा, वहां धूप चली जाती थी तब हम पहुंचते थे। तब मैं सोचता था कि जो है ये बस अड्डा हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जब मैं इधर उधर जाता था तो मैं सब जगह देखता था कि कहीं पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कहीं इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इतने इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, इतनी अच्छी अच्छी पार्किंग है, तो हमारे इन क्षेत्रों में भी होनी चाहिए। तो आज मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने ये मौका दिया है, मां शारदा के आशीर्वाद से, बाबा भयानुरा की कृपा से, मां बाराही की कृपा से ये काम करने का जो अवसर मिला है, इस काम को आदर्श रूप में रखना है। और ये काम ये केवल मेरा काम नहीं है, मेरे को तो आप लोगों ने आगे लगाया, केवल इनका काम भी नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है, पूरे क्षेत्रवासियों का काम है, ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। और हमने संकल्प लिया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक
उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं भगवान की कृपा से। कुछ व्यवधान भी आ रहे हैं बीच बीच में, कुछ आपदाएं भी आ रही हैं, कुछ परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन जहां इतने सारे लोगों का साथ हो, इतने सारे लोगों की शुभकामनाएं हो, आए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और उसके ऊपर हमारे मां पूर्णागिरी, हमारे देवी देवताओं की कृपा हो, तो ये रथ रुक नहीं सकता, ये अभियान रुक नहीं सकता। आंधी आए या तूफान, अब नहीं रुकेगा यह अभियान आगे बढ़ते जाएगा। भाई बहनों, इतना ही नहीं, हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 जब हमारी राज्य स्थापना का 25वां वर्ष होगा, तब हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, हम अग्रणी पंक्ति के राज्यों में हों, हमारी हर प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, औद्यानिकी का क्षेत्र हो, या हमारा ऊर्जा का क्षेत्र हो, या हमारा पर्यावरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्यों में हमारी गिनती हो। उसके लिए भी हमको आगे बढ़ना है, उसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों को एक एक क्षण और एक एक पल अपने काम में लगाना चाहिए, अपने योगदान में लगाना चाहिए। अगर हम सब लोग ये सोचकर कहीं ना कहीं अपने अंदर परफेक्शन लाने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं आज का ये दिन, ये उत्तरायणी का पर्व, ये हमारा हरे अलग अलग द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार हमारा बहुत सार्थक होगा। भगवान सूर्यदेव की हम सब पर कृपा होगी। मैं आप सबको एक बार बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 2-3 घोषणाएं मैं आज के इस अवसर पर करना चाहता हूं कि टनकपुर बनबसा यहां के आंतरिक मार्गों का हॉटमिक्स के द्वारा उनका सुधारीकरण किया जाएगा। राज्य मार्ग संख्या 109 सूफी ढांग भूरा अरिठा साहिब के ब्रजनगर कलियाबाद प्रभाग तथा राज्य प्रभाग संख्या 110 सूफी ढांग श्यामलाताल मोटर मार्ग में भी हॉटमिक्स के द्वारा उस रोड को सुधारा जाएगा, उस रोड का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। ललवा पानी बल्ले प्रस्तावित राज्य मार्ग का हॉटमिक्स के द्वारा सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा, उसको ठीक प्रकार से उसका पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। चंपावत विधानसभा के आंतरिक संपर्क मार्गों का भी हॉटमिक्स के द्वारा सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। आज के अवसर पर पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए, विशेषकर से हमारे चंगी हरेला क्लब के सभी लोगों का, आए हुए सभी कलाकारों का भी, और ये कौतिक जहां हमारे कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, और ये कौतिक हम सबके अंदर, मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि हरेला क्लब के लोगों को कि वो इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और आपने एक यहां पर हॉल की बात करी थी, एक कम्युनिटी हॉल की बात करी थी, और मैं इसकी भी घोषणा करता हूं कि निकट भविष्य में उसका भी डीपीआर बनाकर उसका कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य को भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रखोलिया, एल एम रखोलिया और डॉक्टर डीएस नेगी।